हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफ नो रॉक्स। मैं कुछ दिनों से बाहर थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी रेगुलरली, और मैं ट्रेडिंग भी काफ़ी पोजिशनली ही कर रही थी। तो मैं अभी आपको क्विकली दिखा देती हूँ मेरे इस वीक के बटरफ्लाई का क्या स्टेटस है। करंटली मेरे पेयर ट्रेड का फर्स्ट पेयर मैंने ले रखा है, मैंने दूसरा पेयर अभी नहीं लिया है, बट मे बी इफ़ देर इज़ अ नीड मैं कल दूसरा पेयर इसका ऐड कर दूंगी। करंटली मैंने जो ले रखा था वो है एक पी बटरफ्लाई, एंड आई विल शो यू द स्टेटस एंड द एडजस्टमेंट्स। मैंने क्या एडजस्टमेंट्स करा है इसमें और क्या स्टेटस है और मैंने क्यों ये ट्रेड लिया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो लॉजिक देख लीजिए कि मैंने पहले पी ट्रेड क्यों सिलेक्ट किया पेयर ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये डेली चार्ट है निफ्टी बैंक का, और यहाँ पे आप अगर देखो तो काफ़ी दिनों से मार्केट एक स्मॉल रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको, एक ये ट्रेंड लाइन बनता जा रहा था यहाँ पे। तो जैसे ही फ्राइडे को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो फिर मैंने ये पी का ट्रेड इनिशिएट किया। अगर आप कमेंट करने वाले हैं ये सब फेक है एंड ऑल, प्लीज़ कमेंट मत कीजिए, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, आप कोई और चैनल को देख सकते हैं, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट फॉर मी टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग दैट इज़ फेक। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पोजीशन लिया था। तो पोजीशन यहाँ पे ये है कि मैंने 41,200 पी के 3 लॉट्स लिए थे 207 रुपीज़ में। उसको मैंने उसके अगेंस्ट मैंने 40,200 का यहाँ पे 6 लॉट सेल किया था और 38,500 के 3 लॉट्स का पी बाई करके मैंने हेज किया था। ये पोजीशन नया है। तो इनिशियली द पोजीशन वॉज लुकिंग समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे 41,200 का पी मैंने ले रखा था। बस एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, जो मेरा ओरिजिनल पोजीशन था वो कुछ इस तरीके से था। 41,200 के पी 3 लॉट्स और 40,200 पी के 6 लॉट्स मैंने सेल किए थे और 38,500 पी के मैंने 3 लॉट्स बाई करके हेज किया था। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मेरा जो लॉस एरिया हो सकता है अगर मेरा व्यू अपोजिट चला जाए तो वो 11,036 रुपीज़ का हो सकता था। ओके, तो ये मैंने फ्राइडे को बाई किया था, मैं आपको ज़रा यहाँ पे दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैंने एक जब मार्केट गिरने लग गया तो मैंने उसमें एक चेंज करा, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। उसमें मैंने फिर एक चेंज किया, मैंने इसमें 41,200 पी में प्रॉफिट बुक कर ली। इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू बुकिंग, क्योंकि इसमें आपको अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कैप्चर हो रहा है कुछ तो यू शुड ट्राई टू बुक दैट। क्यों? क्योंकि तभी जब आप इसको बुक करोगे ना, तभी आप इस लॉस एरिया को रिड्यूस कर पाओगे। तो 41,200 पी को मैंने बुक कर लिया था 380 रुपीज़ पॉइंट 95 पैसा में। ओके, और उसके अगेंस्ट मैंने 41,000 पी के 3 लॉट्स बाई कर लिए थे 290 रुपीज़ में। ये सब फ्राइडे की बात है। जिनको यकीन नहीं है उनके लिए मैं एक मिनट दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने 75 यानी कि 3 लॉट्स 207.8 पे बाई किया था, और यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैंने 380.95 रुपीज़ में सेल कर दिया। मैंने यहाँ पे सेम ही, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 207.8 और यहाँ पे 380.95। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट 17 फरवरी का है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पे 41,200 पी ही है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने से पहले प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये करने के बाद में मेरा, जब मैंने ये चेंजेस कर दिए, उसके बाद में जब मैंने 41,000 पी ले लिया, अब मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरा प्रॉफिट आज 18,072 रुपीज़ हो रहा होता। ओके, बट मेरे लिए प्रॉफिट से ज़्यादा हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लॉस, क्योंकि मार्केट को 2 मिनट नहीं लगता रिवर्सल लेने में। ओके, तो इसलिए जो मैंने किया वो है ये, मैंने इसको बुक कर लिया और यहाँ पे मैंने 41,000 पी को बाई कर लिया उसके अगेंस्ट, ताकि ये दोबारा से एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाए। उससे क्या हुआ, जो मेरा 11,300 समथिंग का लॉस हो सकता था वो अब रिड्यूस होकर 4,215 रुपीज़ पे आ गया था। ये था मेरा इनिशियल स्टेटस एज ऑफ 17 फरवरी, विच वॉज फ्राइडे। ओके, अब मैंने इसमें 2 चेंजेस और करा है। मैंने अपने ये 38,500 पी को बुक कर लिया, जो आगे से हेज था, उसको 5.8 रुपीज़ में मैंने उसको बुक कर लिया। ठीक है, और मैंने ये अपना 41,000 पी का भी प्रॉफिट को बुक कर लिया 382 रुपीज़ में। और उसके अगेंस्ट मैंने बाई किया, एक सेकेंड,
अब यहाँ पे मैंने चेंजेस जो करे ये दोनों को बुक करने के बाद में, इंस्टेड ऑफ 41,000 पीई मैंने अब 40,500 पीई के 3 लॉट्स बाई कर लिए, ओके। और आगे का जो हैज है उसको मैं और ऊपर ले आई, 38,500 की जगह मैं उसको ऊपर मूव करके ले आई 39,200 पी से। क्यों? क्योंकि ताकि यहाँ का लॉस एरिया जो है वो 75,000 से अब रिड्यूस होकर 39 पे आ गया है, वो भी कब, जब मार्केट 39,750 के नीचे आने लग जाए तब, ओके। और अगर मार्केट रिवर्सल ले लेता है, जो कि पॉसिबल है, कोई भी बड़ा ट्रेंडिंग मूव के बाद में इट इज़ पॉसिबल दैट द मार्केट विल टेक अ यू टर्न कुछ टाइम के लिए, मे बी स्मॉल रिवर्सल, ओके। तो उस चीज़ को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ये चेंज करा है, 4500 पी को ले लिया, तो उससे यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है ऊपर की तरफ 13,054 रुपीज़ मेरे लॉक हो गए हैं। बट एट द सेम टाइम मेरे पास अभी भी स्कोप बचा हुआ है, इनकेस द मार्केट स्टिल कंटिन्यूज टू ट्रेंड और नीचे जाने लग जाए, तो मुझे अप टू 35,554 का प्रॉफिट बनाने के अभी भी स्कोप मेरे पास है, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल हैव टू कंटिन्यूसली फोकस ऑन रिस्क। सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए, अगर आपका ट्रेड आपकी तरफ जा रहा है तो इमीडिएटली आप उसका रिस्क को कंट्रोल कर लो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू बुक करने का, और उससे यू कैन यू नो नैरो डाउन योर लॉस। और जब आपका लॉस बहुत ही लिमिटेड होगा तो यू विल हैव अ फ्री माइंड टू होल्ड योर ट्रेड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो मैं सारी वीडियोस फ्री में आपको पोस्ट करती हूँ, आई एम श्योर अगर आप कंटिन्यूसली इसको फॉलो करते होंगे तो आप खुद भी ये एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू पे अ हेफ्टी फी, किसी को भी आपको एक फी दे के ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। और एक ही चीज़ को अच्छे से करिए, बार बार करिए, यू विल सी दैट इवेंचुअली यू विल टर्न आउट टू बी वेरी प्रॉफिटेबल। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर फॉर यू गाइज टुडे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कॉमेंट्स हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर कुछ और के ऊपर आपके को कोई डिटेल्स चाहिए वो भी प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। एंड एज ऑलवेज थैंक यू ऑल फॉर स्टिकिंग ऑन टू एफ एन ओ रॉक्स, एंड हैव अ वेरी गुड वन।